गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा तस्मे तो शिर गुरवे नमा हरि ओम हरि ओम हरि ओम उन सभी संतानों को जो कुदरत के रहस्य को जानकर रोग रूपी दरिद्रता को उतार फेंक कर स्वास्थ्य के सम्राट बनना चाहते हैं मैं प्रणाम करता हूं गीता में भगवान कहते हैं युक्त आहार विहार से युक्त चेष्ट कर्मसु युक्त स्वपन अबोध से योग भावते दुखहा मतलब युक्त आहार भोजन लेने के कुछ नियम हैं कब खाना है क्या खाना है कितना खाना है किस प्रकार तैयार करके खाना है कैसे खाना है किस प्रकार मिलान करके खाना है इसके कुछ नियम हैं युक्त आहार विहार जीवन जीने के कुछ नियम हैं युक्त चेष्ट से कर्मसो काम करने के कुछ नियम हैं कितने घंटे काम करना है कितने घंटे आराम करना है युक्त स्वपन अबोधस्य सोने के जागने के कुछ नियम हैं, कब सोना है कितने घंटे सोना है और कब जागना है जो व्यक्ति इन नियमों का पालन करेगा उसे दुख अर्थात रोग आ नहीं सकता ये बात भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं और कब कह रहे हैं महाभारत के युद्ध में महाभारत के युद्ध में जब पूरे विश्व की सेनाएं तैनात हैं भगवान अर्जुन के माध्यम से क्या वो अर्जुन को कह रहे हैं वो अर्जुन के माध्यम से हमें कह रहे हैं कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते क्या इतना ही बोल के छोड़ दिया गया नहीं हमारी गीता के अंदर स्वस्थ रहने की पूरी साइंस मौजूद है हमारे सभी ग्रंथों के अंदर श्री गुरु ग्रंथ साहब गुरबानी के अंदर हमारे उपनिषदों के अंदर समस्त ग्रंथों के अंदर स्वस्थ रहने की कला सिखाई गई है मगर दुर्भाग्य से हमने भारतीयों ने उन ग्रंथों में से आत्मा परमात्मा के बारे में सीख लिया शरीर के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं हुई जैसे बच्चा एक सब्जेक्ट में कमज़ोर रह जाए और दूसरे सब्जेक्ट में पूरे नंबर ले ले 90 परसेंट से ऊपर शरीर के बारे में हमारी कुछ ऐसी हालत हो गई गुरु कृपा से इतना आसान करना चाहते हैं कि हर व्यक्ति साधारण से साधारण अनपढ़ व्यक्ति भी इस विद्या को जान सके मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है जो विद्या पशु पक्षियों को समझ में आ सकती है पशु पक्षी बीमार नहीं होते उनके लिए कोई हस्पताल नहीं है चौरासी लाख जीव जंतु है कोई भी पशु पक्षी बीमार होने के बाद अपनी मर्जी से हस्पताल नहीं जाता एक मानव को छोड़ के सभी स्वस्थ रहते हैं किसी जीव जंतु को हाई ब्लड प्रेशर नहीं होता शुगर नहीं होता जोड़ों में दर्द नहीं होता बवासीर नहीं होती कब्ज नहीं होती पथरी नहीं होती अल्सर नहीं होता थायराइड नहीं होता सर्वाइकल्स पॉन्डेलाइसिस नहीं होता मानव को ऐसी क्या दिक्कत आ गई जो विद्या इतनी सरल है के पशु पक्षी भी समझ सकते हैं वो हमारी पहुंच से बाहर क्यों हो गई विच्छय विचारणीय है, है। आइए हम इस विद्या को इतना सरल कर दें कि हर व्यक्ति दावे के साथ कह सके कि मैं स्वस्थ हूँ मेरे को स्वस्थ रहने के लिए किसी दवा की जरूरत नहीं है मैं अपने रोगों को ठीक कर सकता हूं किसी भी कार्य किसी भी साइंस को समझने के लिए कुछ सूत्र होते हैं कुछ सिद्धांत होते हैं मैं आपसे चार भागों में बातचीत करूंगा हमारी बातचीत का पहला भाग होगा रोग का कारण पहला भाग रोग का कारण हम क्यों जानना चाहते हैं अगर हमारी घर गर गृहस्थी में व्यापार में नुकसान हो रहा हो तो बैंक वालों के फ़ोन आते हैं क्रेडिट कार्ड ले लीजिए कर्ज ले लीजिए कर्ज़ लेते ही तुरंत आराम पड़ता है लगता है नुकसान पूरा हो गया मगर कुछ समय के बाद पता चलता है जब क्रेडिट कार्ड का बिल आता है कि इतना ब्याज लग गया नुकसान और बढ़ गया इसके बिल्कुल विपरीत हमारे कोई बड़े बुजुर्ग मिलते हैं वो कहते हैं अपनी आदतों को बदलिए फजूल खर्ची बंद कीजिए मेहनत करें घर का काम खुद करें वो व्यक्ति हमें दुश्मन की तरह दिखाई पड़ते हैं क्यों क्योंकि वो नुकसान के कारण को दूर करने की बात करते हैं वो कोई सामान नहीं बेच रहे उनका ये सुझाव देने के पीछे कोई स्वार्थ नहीं है फिर भी हमें वो दुश्मन की तरह दिखाई पड़ते हैं क्यों क्योंकि हम अपनी आदतों में बदलाव करने को तैयार नहीं हैं हम चाहते हैं कि हम जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा ही जीते रहें कोई आसान रास्ता मिल जाए ठीक ऐसे ही शरीर के अंदर रोग आने का मतलब क्या है कि हमारा शरीर हमारे शरीर रूपी कंपनी हमारी शरीर रूपी फैक्ट्री नुकसान में चल रही है अब शरीर में रोग आने के बाद एक सुझाव मिलता है दवाई ले लो दवाई लेते ही तुरंत आराम पड़ता है मगर जब वही हड हाई ब्लड प्रेशर की गोली डायबिटीज शुगर की गोली हम वर्षों तक खाते रहते हैं हम जीवन शैली में कोई परिवर्तन नहीं करते क्योंकि आदतों में परिवर्तन करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा गोली खाना आसान रास्ता है केवल गोली के ऊपर ही निर्भर रह जाने के कारण जीवन शैली में कोई परिवर्तन ना करने के कारण दस पंद्रह साल बाद दवाई खाते खाते हमारा अचानक पता चलता है हार्ट अटैक हो रहा है किडनी खराब हो रही है आँखों की दृष्टि कमज़ोर हो रही है रेटिनोपैथी हो रही है पाँव की नसें कमज़ोर हो रही हैं न्यूरोपैथी हो रही है तरह तरह के रोग लग जाते हैं जान लेवा जान को खतरा हम तो दवाई ले रहे थे पिछले दस सालों से हमने तो कभी भी बदपरहेजी नहीं करी दवाई लेने में केवल दवाई के भरोसे रहने के कारण मैं दवाइयों का विरोधी नहीं हूं मैं डॉक्टरों का विरोधी नहीं हूं बात को स्पष्ट करने के लिए मैं आपको कहना चाहता हूं केवल दवाई के ऊपर निर्भर रहने के कारण जीवन शैली में कोई परिवर्तन ना करने के कारण अचानक हम जानलेवा रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं हम तो दवाई ले रहे थे पिछले दस सालों से फिर जब हम अपने डॉक्टर से पूछते हैं कि मैं दस साल पहले आपके पास आया था तो अब मेरी डायबिटीज़ एडवांस स्टेज में आ गई पाँव की नसें कमज़ोर हो गई आँखों की दृष्टि कमज़ोर हो गई तो दवाई लेते लेते भी ऐसा क्यों हो गया मेरी बीमारी दवाई लेते लेते वहाँ रुक तो जाती बढ़ती तो ना ऐसा नहीं होता कारण क्योंकि हम रोग के कारण को दूर नहीं करते हम केवल दवाई पर निर्भर रहते हैं इसके बिल्कुल विपरीत अगर कोई मेरे गुरुदेव जी जैसे मिलते हैं वो कहते हैं परहेज कीजिए बद परहेजी बंद कीजिए इस तरह के सुझाव हमें अच्छे नहीं लगते बात मानने से लाभ होता है तो बातचीत का पहला भाग क्या होगा रोग के कारण को जानिए बहुत सरल भाषा में बात करेंगे आशा रखता हूँ एक एक शब्द आपके समझ में आना चाहिए कुछ ना समझ आए तो हाथ खड़ा कर दीजिए सबसे पहले रोग के कारण को जानिए हमारे शरीर के अंदर कई तरह के काम चल रहे हैं मुख्य रूप से दो तरह के काम चल रहे हैं हम जो खाते हैं उससे हमारे शरीर को जो हड्डी खून वगैरह चाहिए वो बनता है मिलता है दूसरा उससे गंदगी बनती है जो शरीर ने बाहर निकालनी होती है गंदगी को बाहर निकालने के चार रास्ते हैं पशाब का पाखाने का पसीने का और श्वास का जब कुछ गलतियों की वजह से शरीर इन चार रास्तों के द्वारा गंदगी को बाहर निकालने में असमर्थ हो जाता है गंदगी शरीर के अंदर रहना शुरू कर देती है उस गंदगी का नाम ही रोग है यूनिटी ऑफ डिजीज सारे रोग एक हैं शरीर के अंदर गंदगी का रहना सारे रोगों का एक ही इलाज है शरीर को अंदर से शुद्ध रखना या साफ़ रखना किसी को पथरी है किसी को मोटापा है किसी को रसोली है किसी को कैंसर है किसी को दमा है मतलब फेफड़ों में बलगम है कोई कहता है यूरिक एसिड बढ़ गया कोई कहता है शुगर बढ़ गया कोई कहता है कैलेस्ट्रॉल बढ़ गया कोई कहता है ट्रैगलीसाइड्स बढ़ गया ये सब कुछ नाम अलग अलग हैं है तो गंदगी चार व्यक्तियों के घरों में गंदगी है एक के घर में काले रंग के कीड़े हैं किसी के सफ़ेद किसी के लाल किसी के घर में बदबू है किसी के घर में मच्छर है किसी के घर में मक्खियाँ हैं लक्षण अलग अलग हैं उस गंदगी के नाम अलग अलग हैं उसका समाधान एक है अपने अपने घर की सफाई कीजिए ठीक ऐसे ही शरीर के अंदर रोग अलग अलग हैं समाधान एक है शरीर की अंदर से सफाई कीजिए हमने ये जाना कि शरीर के अंदर गंदगी का रहना ही रोग है इसकी सफाई करनी है अंदर से बाहर से सफाई तो हम रोज कर लेते हैं अंदर से शरीर की सफाई कैसे करें लकड़ी की चीज बनी हुई लकड़ी से मरम्मत होती है लोहे की लोहे से होती है सोने की सोने से और कपड़े की कपड़े से मानव देह पांच तत्वों से निर्मित है ये बात हमारे सभी ग्रंथों में कही गई है वो पांच तत्व कौन कौन से हैं जल वायु आकाश पृथ्वी अग्नि पांच तत्व आपने बता दिए तो इसकी सफाई या मरम्मत इन पांच तत्वों के द्वारा ही होगी जिसमें दवाइयों का कोई स्थान ही नहीं है तो ग्रंथों में एक कर्मवार लिखा गया है सबसे पहले लिखा है आकाश तत्व आकाश तत्व का मतलब ये धरती है और ऊपर आसमान है बीच में क्या है खाली जगह आकाश तत्व का मतलब है खाली जगह अब शास्त्र कहता है कि अगर शरीर की सफाई करनी है सबसे पहले क्या चाहिए खाली जगह हमारे घर में गंदगी है हमें मालूम पड़ चुका है अब घर की सफाई करने के लिए सबसे पहले काम क्या करना होगा कि घर के अंदर जितना भी फालतू सामान है जिसकी जरूरत नहीं है कबाड़ा है जो उसको बाहर फेंकना होगा इसलिए ग्रंथ ने सबसे पहले आकाश तत्व लिखा कि सबसे पहले शरीर के अंदर जो फालतू माल है कोलेस्ट्रॉल क्या है वेस्ट फालतू पथरी क्या है चाहिए क्या शरीर को नहीं रसौली चाहिए बलगम चाहिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए जो जो चीजों की शरीर को जरूरत नहीं है उन चीजों को बाहर फेंकना है अब बाहर फेंकने के लिए शास्त्र कहता है आकाश तत्व मतलब उपवास की व्रत की सहायता लीजिए अगर हम ठीक तरीके से व्रत करते हैं तो हम अंदर की गलत चीज़ों को बाहर फेंक सकते हैं। अच्छी चीज़ कोई नहीं निकलने वाली चिंता मत करना मैं ब्रह्मलीन आचार्य शेषाद्री स्वामीनाथन जी का शिष्य हूँ जो आजीवन ब्रह्मचारी रहे जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस काम के लिए लगा दिया जे ज्ञान घर घर तक पहुँचना चाहिए और मुफ्त पहुँचना चाहिए उन्होंने इस विद्या को ऐसा बनाया जो आज का मानव इसको अपना सके गुरु और शास्त्र में एक अंतर होता है शास्त्र समय के मुताबिक लिख दिया जाता है गुरु आज की परिस्थिति में उस शास्त्र से हम कैसे लाभ ले सकते हैं उसके बारे में बताता है तो हमने उपवास करना है व्रत करना है ठीक तरीके से करना है हमारा जैन धर्म उपवास पर आधारित है मुस्लिम धर्म में रोजे किए जाते हैं हिंदू धर्म में हर उत्सव पे हर त्यौहार पे उपवास किया जाता है फिर भी हम रोगी क्यों हैं अगर हम सही तरीके से अपने अपने धर्म अनुसार उपवास करते रहें व्रत करते रहें तो हमें रोग नहीं हो सकता लेकिन फिर भी हम रोगी क्यों हैं या तो हम उपवास करते नहीं या हमने ये मान लिया कि व्रत करना तो बहनों का काम है पुरुषों का तो काम ही नहीं है या हमने उपवास वाले दिन दूध और दूध से बने हुए पदार्थ खोया बर्फी वगैरह संघाड़े के आटे के पकौड़े इस वहम के साथ खाए कि इसके अंदर अनाज नहीं होता ये हमारे मन की चाल है ये अनाज से भी भारी पदार्थ हैं अधिक जानकारी के लिए हमारे पुस्तकों इत्यादि का अध्ययन करें एवं परामर्श हेतु प्रत्येक रविवार प्रातः सात बजे से दस बजे तक हमारी निशुल्क कक्षा में भाग ले निशुल्क शिविरों के आयोजन करवाने हेतु एवं अन्य सामग्री पेट की पट्टी डीवीडी एम पी थ्री एनिमा स्पाइनल बाथ टब इत्यादि के लिए संपर्क करें। हमारा पता है नेचुरल लाइफ स्टाइल एच थर्टी टू ऑब्लेक् ट्वेंटी टू सेक्टर थ्री रोहिणी नियर विश्राम चौक दिल्ली वन वन जीरो जीरो एट हमारे फोन नंबर हैं जीरो डबल वन टू सेवन फाइव वन जीरो सेवन सेवन वन जीरो नाइन नाइन फाइव थ्री सेवन डबल टू टू सेवन टू